20 मंजिल में रहे थे, आज 26 महीने से आजम खान जेल के अंदर बंद हैं, तो लगता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। सर, और प्रदेश एक चीज ये है, आज जेल से रिहा हुए एक बाबा बजरंग मुनि, उन्होंने आजम खान और सीओ सिटी पर 2 करोड़ रुपए लेकर उनकी हत्या का आरोप लगाया है। देखिए, भारतीय जनता वो जानते हैं कि किस तरीके का बयान देते हैं, और हम लोगों को शंका ये है कि आजम खान साहब की कहीं जेल में हत्या कर दी जाए, और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आजम खान बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं? नहीं, आजम खान साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, अभी चुनाव विधानसभा के हुए वो जेल के अंदर बंद रह करके यहाँ पर चुनाव जीतने का उन्होंने काम किया है, और अखिलेश यादव जी उनके चुनाव क्षेत्र में उनके लिए वोट मांगने के लिए गए थे। हम लोग आजम खान साहब की अगुवाई में विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे। आपको मिलने का टाइम मिल गया? हम लोगों को मिलने का टाइम दिया है, हमने परसों आजम खान के जो मीडिया प्रभारी हैं तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आजम खान साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष और आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।